हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले फेवर कैस्टल के कलर पेंसिल्स का रिव्यू। इनके ऊपर एक वर्ड बनी हुई है मकाओ। इनमें गोल्डन और सिल्वर भी आएंगे। ऊपर ये सारे कलर्स बने हुए हैं जो भी इनमें आएंगे। ट्रायंगुलर पेंसिल्स है, ट्रायंगल शेप की रहेगी। नहीं, यहाँ पे कुछ भी बने हुए हैं, बता रखा है कि गोल्डन और सिल्वर आएंगे। मार्केट में मुझे ये 180 में मिल गया, नहीं तो MRP तो 200 है। अब खोल के देखते हैं। ये रहे इसके 24 कलर्स। ये गोल्ड, ये सिल्वर। अब इनको छील के देखते हैं। सबसे पहले मैं पिंक को छील रहा हूँ। इसकी तो नुक टूट गई। ये वाली नुक तो निकल गई। अब इसको फिर से छील के देखते हैं। चलो, छिल गया है तो अच्छा था। अब औरों को छील के देखते हैं, देखिए कितने खराब निकलेंगे। अब सारे कलर्स को चला के देखेंगे और मैं उनके नाम भी बताऊंगा। ये है नियॉन पिंक, डीप पिंक, प्राइमरी येलो, मीडियम येलो, वर्मिलियन हुई, प्राइमरी रेड, स्काई ब्लू, एंफर ब्लू, अल्ट्रामरीन ब्लू, डीप टॉर्क्विज, मेंटिस ग्रीन, लीफ ग्रीन, पाइन ग्रीन, ओलिव ग्रीन, पर्पल, वॉयलेट, बर्न साइना, साइना, कॉपर ब्राउन। इसकी तो नुक टूट गई। फायर टॉप, ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड, तो ये हो गए सारे कलर्स 24 सेट्स हमारे। इनमें से बस चलाते चलाते बीच में वो एक नुक टूट गई थी। अब देखते हैं कि मिटाने में कैसे। साइना को मिटार के देखते हैं। मिटाने में तो अच्छे ही है, पर लेकिन अगर मिट रहे तो हम वाइट पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ वाइट पेन।
ये रहा व्हाइट पेन, ये यूनिबॉल के भी मिलते हैं और वो साकुरा के जेली रोल भी मिलते हैं। यूनिबॉल का थोड़ा महंगा है, साकुरा का ले सकते हैं, वो इससे तो कम का है पर वो भी महंगा है। अब हमने पूरे जला के देखे, सब पता चला कैसे हैं, ये टूटे भी सही और जलाने में भी देखे कैसे हैं, कलर्स भी देखे। अब बात करते हैं कि हमें ये खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो देखो मेरे हिसाब से तो ये हमें नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये 180 के भी है, डोम्स के जो होते हैं वो तो 100 में मिल सकते हैं, और उनमें तो वाइट भी आता है, इनमें तो वाइट ही नहीं है, फिर ब्लेंड करने में भी थोड़ी मुश्किल आएगी। उनमें फ्लैश टिंट भी आता है जिसकी पोर्ट्रेट में जरूरत पड़ती है, इसमें तो वो भी नहीं है, इसमें फिर फ्लैश टिंट भी मिक्स करके बनाना पड़े, मिक्स करने के लिए वाइट भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कलर्स चाहिए तो डोम्स के खरीदना, फेबर कैस्टल के मत खरीदना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।